सोचें एवं चर्चा करें। नीचे की तालिका में कक्षा 10वीं की परीक्षा के परिणाम दिए गए हैं। वर्ष 2001 में 88%, वर्ष 2002 में 80.5%, वर्ष 2003 में 66%, वर्ष 2005 में 55%। क्या आप 2004 एवं 2006 के परीक्षा परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं? ग्राफ से आंकड़े निकालना करके देखें। आप अपने स्कूल के अलग अलग कक्षाओं के 40 लड़के या लड़कियों की उम्र एवं उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में का आंकड़ा एकत्रित कीजिए एवं उन बच्चों की आयु तथा उनकी आयु वार औसत ऊंचाई के बीच ग्राफ खींचिए। आंकड़े लेते समय ध्यान रखें कि उनमें से 3 से 5 बच्चे समान आयु के अवश्य हों। इस ग्राफ के आधार पर आप बताएं, पहला, 15 वर्ष की उम्र वाली लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी है? दूसरा, 10 वर्ष की उम्र वाली लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी है? तीसरा, 13 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की उम्र वाली लड़कियों की औसत ऊंचाई में इस दौरान कितनी वृद्धि हुई? चौथा, क्या आप पता लगा सकते हैं कि 14 वर्ष की उम्र वाली लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी होगी और वो कैसे? पांचवा, 16 वर्ष की उम्र वाली लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी होगी? सवाल 4 एवं 5 के हल कैसे पता किए जा सकते हैं? संकेत, एक्स अक्ष पर 14 वर्ष को दर्शाइए और उसे एक्स अक्ष के लंबवत चलकर आलेख की रेखा के सीध वाली बिंदु से मिलाइए। आलेख की रेखा पर मिले बिंदु को वाई अक्ष से मिलाइए। वाई अक्ष पर जो मान मिलेगा वह 14 वर्ष की उम्र वाले बच्चों की औसत ऊंचाई दिखाएगा। इसी प्रकार आप आपके द्वारा लिए गए आंकड़ों में से किसी भी उम्र वाले बच्चों की औसत ऊंचाई पता कर सकते हैं। छठवां, क्या आप इस ग्राफ 8 वर्ष व 20 वर्ष पर इन्हीं लड़कियों की औसत ऊंचाई पता कर सकते हैं? चर्चा करके लिखें। उदाहरण 13, जनसंख्या के आंकड़ों से संबंधित निम्नलिखित ग्राफ को देखिए तथा ग्राफ के आधार पर नीचे लिखे सवालों के जवाब दीजिए। पहला प्रश्न, वर्ष 1980 में जनसंख्या कितनी थी? दूसरा, वर्ष 1960 से 2000 तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तीसरा, वर्ष 1975 में जनसंख्या कितनी थी? चौथा, वर्ष 1995 में जनसंख्या कितनी थी? पता लगाइए। पांचवा, क्या दिए गए आंकड़ों के आधार पर 2010 की जनसंख्या का अनुमान लगाया जा सकता है? प्रश्न 1 और 2 के आंकड़े हमें सीधे सीधे ग्राफ द्वारा मिल सकते हैं, परंतु प्रश्न 3, 4 और 5 के आंकड़े हमें ग्राफ द्वारा निकालने होंगे। ग्राफ में प्रदर्शित आंकड़ों को यदि देखें तो उसमें लगातार वृद्धि होती दिखाई पड़ रही है। एक्स अक्ष पर वर्ष 1975, 1995 और 2010 को दर्शाने के साथ साथ वाई अक्ष पर भी पैमाना 45 लाख से 55 लाख तक बढ़ाना होगा। अब यदि ग्राफ पर ज्ञात हुए बिंदुओं को y अक्ष पर स्थित संगत बिंदुओं से मिलाएं, तो 1975, 1995 और 2010 की जनसंख्या के अनुमानित आंकड़े मिल सकते हैं। ग्राफ देखें। इस प्रकार हम एकत्रित आंकड़ों के आधार पर अनुमानित आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। अनुमानित आंकड़ों के आधार पर वर्तमान में भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाने में मदद होती है। जैसे अनुमानित जनसंख्या को वास्तविकता में बदलने से पहले नियंत्रित करने की योजना वर्तमान में ही बनाई जा सकती है। नोट, 2010 के अनुमानित आंकड़े के लिए यह माना गया है कि जनसंख्या बढ़ने का रुझान वही रहेगा। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो। उस समय जनसंख्या बढ़ने को रोकने के बहुत प्रयास हो रहे थे। उससे रुझान पर क्या असर आया यह हम नहीं कह सकते। इसलिए इस तरह का बहिर्वेशन इस समझ से ही किया जाता है कि यह एक अनुमान मात्र है।